नमस्कार, मैं हूं रिद्धि और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज के ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। बलारपुर में गोल पुलिया पर बीते दिनों शाम 5 बजे के दरमियान मालगाड़ी के 3 डिब्बे रेलवे पटरी से घसरे, किस्मत से बहुत बड़ी दुर्घटना टली। बता दें कि कॉलरी रोड चुनी बस्ती से राष्ट्रीय महामार्ग को जोड़ने वाला यह एकमात्र रोड है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के कुछ IAS अधिकारियों के तबादलों के आदेश निकाले गए, जिसके तहत चंद्रपुर जिले में जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमनार का हुआ तबादला। उनकी जगह पर अब जलस्वराज परियोजना के परियोजना प्रबंधक अजय गुलाने चंद्रपुर के नए जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे। चिकल गांव से वरोरा बाईपास जा रहे एक चौपहिया वाहन का रेलवे क्रॉसिंग के पास टायर फटा, जिस कारण गाड़ी रास्ते के किनारे जाकर पलटी। इस दुर्घटना में गाड़ी के नुकसान के साथ 4 लोग जख्मी हुए। युवा सेना जिला समन्वय अधिकारी नीलेश बेलखेड़ी की पहल, 40 जरूरतमंद बच्चों एवं विद्यार्थियों को शिक्षा सामग्री का किया वितरण। कुरखेड़ा वन परिक्षेत्र के एक अधिकारी द्वारा रास्तों का काम पूरा न करते हुए 75% निधि हड़पने का मामला आया प्रकाश में, जिससे अब उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अमरावती सांसद नवनीत राणा का पिछले हफ्ते कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और अब जानकारी मिली है कि बीते दिनों उनकी सेहत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके कारण उन्हें अब नागपुर भेजा गया। अस्पताल से फरार हुए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का नगर परिषद के सामने स्थित पान सेंटर के पास मिला शव। ज्ञात रहे कि अमनेर कोविड सेंटर से कई रुग्ण फरार होने की घटना प्रकाश में आई, जिस कारण अब अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मशहूर शायर राहत इंदौरी को हुआ कोरोना, ट्वीट कर बोले दुआ कीजिए इस बीमारी को हरा दूं। बता दें कि इंदौर के अस्पताल में भर्ती है राहत इंदौरी। राजस्थान के सियासी संकट में नया मोड़, राजस्थान कांग्रेस में पायलट की वापसी। सचिन पायलट में सोनिया, राहुल और प्रियंका को कहा शुक्रिया और बोले पार्टी पद देती है तो ले भी सकती है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर, वही डीजल 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर। AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार तक टली सुनवाई। वोडाफोन आइडिया को 50,399 करोड़ और एयरटेल को 25,976 करोड़ रुपए सरकार को करने होंगे अदा। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन ग्रीन लाइट के साथ खुला। शेयर बाजार सेंसेक्स 306 अंकों पर 38,488 पर खुला, वही निफ्टी 72 अंकों की बढ़त के साथ 11,342 स्तर पर खुला। पीएम का सीएम के साथ मंथन, कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ली समीक्षा बैठक, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात के मुख्यमंत्री की मौजूदगी। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खुशखबर, दिसंबर तक मिल जाएगा टीका। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पुनावाला का दावा। साथ ही पुनावाला ने यह भी कहा कि उनकी वैक्सीन के दाम $3 से ज्यादा नहीं होंगे। व्हाइट हाउस के बाहर चली गोली, डोनाल्ड ट्रंप अंदर कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी दौरान बाहर संदिग्ध को मारी गोली। राष्ट्रपति ट्रंप को कुछ देर के लिए ले जाना पड़ा सुरक्षित जगह। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ, आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।